हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं। यस एंड यस, सो आज काफी टाइम बाद यार कहीं बाहर निकलने का टाइम मिला है, तो हम सब लोग जा रहे हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं, घुमाते हैं आइकिया। सो जल्दी सब चल लेते हैं, पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट सब हो चुकी है, आकाश नीचे जा चुके हैं गाड़ी में। सो जल्दी जल्दी चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं। प्लीज पीछे का मेस थोड़ा सा अवॉइड कीजिए एंड मिलते हैं नीचे थोड़ी जल्दी। ये रखी है मैंने गोगो का खाना, क्योंकि गोगो मेरे साथ नहीं जा पाएगा वहां पे, तो गोगो को छोड़ोगे हम दी के यहाँ। ओके गोगो डन रेडी, तो बेचारा ऐसे हुए हैं जिससे चलेगा अभी साथ में, कोई बात नहीं। पर चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, कम गुड बॉय गुड बॉय, लेट्स गो। हम हो गए हैं रेडी, बस चलते हैं। एंड ये देखिए ये क्यूट सा बच्चा कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन लग रहा है आप लोगों को ये क्यूट सा बच्चा। बस जल्दी से वेट कर लेते हैं, मम्मी अभी गई है रूम में एंड बस चलते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी और ये बैग तो परमानेंट युवान के नाम का ही हो गया है, क्योंकि इसमें सारा सामान युवान का ही होता है कहीं जाते हैं तो। लेट्स गो। हाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में है। हेलो गाइस रेडी हो गए हैं, ये देखिए। अरे युवान ड्राइव कर रहा है आज। अरे छोड़ो अभी भी ड्राइव कर ले। कहाँ जा रहे हो? चलो स्टार्ट। इवन कहाँ जा रहे हो? हम लोग आ गए हैं दी की सोसाइटी में एंड दी भी साथ में जा रहे हैं एंड उनका कैमरामैन भी साथ में जाएगा। सो ये सभी वेट कर रहे हैं हम लोग उनका, हम लोग मतलब मैं और युवान ही है बस। देखो युवान बुई का वेट कर रहे हैं ना, हम बुई के साथ जा रहे हैं ना घूमी घूमी। आ गई दी एंड जल्दी से चलते हैं बस। कॉम्प्लीमेंट दिया आपने, क्या दिया? मैंने कहा आई लाइक योर ड्रेस, थैंक यू सो मच, दिखा दो। क्वाइट स्टाइलिश, नाइस, अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत टाइम बाद आया ना तो मैंने सोचा हाँ पहन ली जाएगा। बट शॉपिंग के लिए फर्स्ट टाइम इन मुंबई, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लेट्स गो। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं आइकिया एंड ये मुंबई का सबसे बड़ा आइकिया है एंड यहाँ पर आपको घर के डेकोरेशन से लेके किचन के सामान तक सब कुछ मिलेगा। एंड अब युवान उठ चुका है, वैसे सारे रास्ते सोता है बट अब उठ गया है। देखोगे आप सबको गंदा फेस बना के, सब बोलेंगे रोंदू बच्चा युवान तो, जबकि ऐसा नहीं है, दोबारा खेलने लगेगा। तो ये सब इसके पापा ने इसको ले लिया है, चलने के लिए हो गए हम बिल्कुल तैयार। सो आप लोगों को मिलेंगे अब अंदर एंड यहाँ पर बाकी सारा सामान आपको जो आप चाहेंगे वो आपको मिलता है, डेकोरेशन एंड प्लांट्स एंड सब कुछ। यहाँ पे हमने युवान को कैरी कर लिया है बैग में एंड ये थोड़ा इसका साइज़ छोटा हो गया है क्योंकि युवान बढ़ गया है, उसकी हाइट लंबी हो गई है, तो आकाश को और बेबी को दोनों को ही अनकम्फर्टेबल हो रहा था इसको लेने के बाद, तो थोड़ी देर में फिर इसे उतार दिया था हम लोगों ने। सो अब हम लोग तैयार हो गए हैं चलने के लिए। गपशप मारी थी मैं हंस रहे थे हम क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद आए थे साथ में घूमने, इसलिए। हेलो तो गाइस आइकिया का सेटअप कुछ इस तरीके से है। सो ये सब करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो गाइस ये है थोड़ा डेकोरेशन का एरिया इनका एंड ये लोग ऐसे ही सेट करके रखते हैं बिल्कुल आप लोगों को एज ए सैंपल दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से अपना घर डेकोर कर सकते हैं। रोटी तो सर्व ऑलरेडी इन्होंने कर रखी है, सो फनी। सब्जी सब्जी मंगा ले, क्यूट लगा मुझे पहले तो दूर से दिखने में, मुझे सच में लगा ये चपाती रखी है क्या। बट नहीं, यहाँ ये मौका नहीं चुकता है इनका फोटोशूट कराने का, यहाँ ये फोटोशूट चल रहा है मैडम का। और यहाँ पे मस्ती चल रही है। बाकी युवान वेट कर रहा था कि कब मम्मी का फोटोशूट खत्म होगा, हम आगे चलेंगे। सो गाइस ये एक सर्विंग टेबल है, पसंद आ रही है जो टाइप सर्विंग ट्रे, बाकी पसंद तो हमें आ रही थी बट
मज़ा नहीं आया कुछ इसमें, इसलिए हमने छोड़ दी। बाकी हम सामान देख रहे थे और हम लोगों का कबर्ड्स वगैरह देखनी थी, तो आकाश हम मेजरमेंट्स देख रहे थे कि किस तरीके से सेट हो सकती हैं, बट कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, एंड कुछ जो थी वो हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आराम से देखेंगे घर जाके। तो यस, यहाँ पे कबर्ड्स का आइडिया हमने कर लिया था। इसके पापा इसके फेवरेट है, पापा के पास सबसे ज्यादा खुश हैं। बाकी देख रहे थे हम बस कि क्या क्या आइडियाज हैं इन लोगों के पास। सो यहाँ हम आ गए फूड कोर्ट में, एंड बहुत तेज भूख लग रही थी, दी तो बहुत देर से कह रहे थे कि चलो चलो कुछ खा लेते हैं। सो फाइनली फूड कोर्ट में हम आ गए, एंड दी एज यूजुअल ले रहे हैं अपने ब्लैक कॉफी। सो यस, यहाँ पर यही बात चल रही थी कि दी डिसाइड कर रहे थे कि एक ही ट्रे में आ जाएगा और रख ले, तो आकाश ने बोला रख लो बहुत सारा स्पेस चाहिए। तो अभी लस्सी एंड कॉफ़ी ली जा रही है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, लाइक आपके रोल्स से लेके आपको डाइट फूड या जो नॉर्मल फूड आप खाना चाहते हैं सब कुछ, बट यहाँ थी सेल्फ सर्विस एंड सब कुछ खुद ही लेना था आपको, बस ये आपको बोल में सेल्फ सर्व करके दे रहे थे, बाकी रख के लेके जाना आपको खुद अपने आप ही। तो गाइस खाना हमने ले लिया है, सर्विस था यहाँ। सो यस गाइस, तो ऐसे हो रहा है यहाँ पे, हम लोग अब बिलिंग करा रहे हैं अपनी, एंड सामान हमने ले लिया है। यहाँ पे ले रहे हैं कॉफी मम्मी के लिए भी, मम्मी ने बट बाद में आइडिया ड्रॉप करके बोला कि मैं मीठी लस्सी ही लूंगी, सो इसलिए। एंड यहाँ से हम लोग ले रहे हैं थोड़ा बेकरी आइटम लाइक केक एंड ऑल, वैसे तो हम लोग ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं, एंड तो इसलिए ये हमने वैसे ही ले लिया था कि लाइक एक दो फॉर अ स्वीट डिश लास्ट के लिए। सो गाइस मैंने लिए ऑर्गेनाइजर्स अपने वार्डरोब के लिए, एंड यहाँ से हम कुछ कारपेट्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए। सो दिस इज द कारपेट सेक्शन, तो हम सोच रहे हैं इस टाइप का थोड़ा कारपेट लिया जाए क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है ये, और युवान अब क्रॉल करने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो सोच रहे हैं कि इस टाइप के कारपेट बिछा ले जाएं हॉल में, तो इजी रहेगा उसके लिए फिर। तो गाइस यहाँ पे चल रही है सोडा की टेस्टिंग। सो यस, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था अभी कि कौन सा हमें ट्राई करना चाहिए। सो यहाँ पे दी ने सारे ट्राई करवा दिए गाइस, एक एक करके मम्मी को, एंड कभी रसबेरी कभी लिंगो बेरी, बहुत सारे फ्लेवर्स थे, तो सब एक 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 करके हमने ट्राई किए, एंड यहाँ एक कमिंग सून भी था जिसके लेके हम बहुत हंस रहे थे कि ये कमिंग सून क्या होगा यहाँ पर, बट वही बाकी था ये सोडा, वाटर सोडा नाम से था, एंड सोडे में थोड़ा थोड़ा फ्लेवर्स था, मुझे कुछ खास कोई अच्छा नहीं लगा बस एक कोक छोड़कर, बाकी ट्राई सबने सब कुछ किया। मम्मी को अच्छी नहीं लगी, मम्मी दूसरा हो जाए। अरे सब लोग ट्राई कर रहे हैं, आप लोग भी करो। तो कर लो, क्या हो गया, एक और ट्राई करो। दी अपनी डाइट तोड़ते हुए समोसा खा रही है, दीप दी को यहाँ के समोसे बहुत पसंद है इसलिए। तो हम लोग ये ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे, इतने में हमें देख के और भी लोग आ गए थे ट्राई करने, वो लोग हमें बोल रहे थे कि कर लो, अब हमने पे किया है तो हमें करना चाहिए। नाइस, अच्छा लेट मी ट्राई। ये देखिए कोला, हम लोग भी कोला ही ट्राई कर रहे थे, और फिर मुझे एंड में जाके कोला ही अच्छा लगा। कोला इज एक्चुअली, फाइनली शॉपिंग हो गई है ख़त्म हमारी, बाल बन गए हैं, स्टाइल हो गया है ख़त्म, एंड अब बस चलते हैं जल्दी से। सो ये देखिए सामने सभी, सो ये जा रहे हैं हमारे शॉपिंग ट्रॉली। आकाश ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं कार में क्योंकि युवान सो गया था एंड थक गए थे काफ़ी ज़्यादा उसे उठा कर, तो बस अब चलते हैं जल्दी से। दी लिफ्ट मांग रही है इसमें। दी बहुत ज्यादा थक गई थी और वो बस मजाक में ही बोली उन अंकल से कि मुझे इस पर बैठा लीजिए, और अंकल हो गए रेडी, उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ, और उन्होंने ली लिफ्ट कार तक के लिए। ये देखिए सो क्यूट, वैसे बहुत फनी लग रहा था सीरियसली, बट अंकल बहुत स्वीट थे, उन्होंने बोला बैठ जाइए लिफ्ट मिल जाएगी। अरे आ गई हमारी गाड़ी, और मेरा क्यूट बेबी ड्राइविंग सीट पे बैठा है अपने डैडी के साथ, अभी से इसको शौक हो गया है। बस फिर क्या था, हम निकल लिए अपने घर, कब काफी थक गए थे हम सभी लोग, सबके फेस पे आपको दिख ही रहा होगा। सोया नहीं है, जग रहा है।
जग रहा है चला। युवान गुड मॉर्निंग। बस फिर क्या, हम लोगों ने सबने बातें शाते की एंड बातें शाते करते करते हम लोग पहुंच गए अपने घर। हाँ जी रहा है। घर निकलते हुए काफी हेक्टिक रहा है दिन। हाँ थक गए बहुत ज्यादा, काफी बड़ा भी है ना, घूमते घूमते थक जाते हैं। काफी ज्यादा हेक्टिक रहा। हाँ, इसे देखो, इसे बहुत समझ में आ रहा है, हंस के दिखा रहा है, बहुत हेक्टिक रहा है दिन। युवान के पापा की गोदी में गोदी गोदी में ही थक गया मैं। और हमारी गोदी में आते ही रोना शुरू कर दिया। पापा के साथ मस्त था, खुश था मैक्सिमम टाइम। खुश रहता है अपनी पापा की साथ ही, खुश खुश रहता है ना। ओके गाइस, टाटा बाय 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 टाटा। ये देखिए गाइस, इन लोगों का सामान, हम निकल रहे हैं। बाय। किस सामान के अंदर फंसे हो सब लोग? अरे बाप रे, इन लोगों का सामान मैंने क्या लिया? नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने जो कुछ लिया है सब ऑर्डर आएगा ऑनलाइन। ऑलराइट गाइस, टाटा बाय बाय। गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे एंड बहुत ज्यादा थक चुके हैं। युवान ने भी चेंज कर लिया, मैंने भी चेंज कर लिया है, बस अब सोते हैं एंड आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड यस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। युवान इधर देखो, इधर देखो। बाय बाय गुड्डू चपको, गुड नाइट गुड्डू चपको।